हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बेस्ट रेसिपी होम किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, तो चलिए देखते हैं पास्ता में क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। ये मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है। एक कटा हुआ प्याज लेंगे, दो हरी मिर्च और एक पास्ता मसाला। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑनियन और कटी हुई मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे, इसे लाइट ब्राउन होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसे एक मिनट के लिए हम थोड़ा फैला के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये पास्ता को मैंने छान लिया है, ये लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पास्ता मसाला। इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। का पानी डाल के फ्राई करेंगे ताकि इसका ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो सके। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं ग्रेवी इसका बहुत गाढ़ा हो चुका है। मसाला फ्राई हो चुका है, इसमें नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाला में। देख सकते हैं मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और इसे थोड़ा देर तक चलाएंगे। अब इसे पास्ता को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाला में। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है। आपको ये पास्ता बहुत अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को